हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक अंदाज में कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एवरेज से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5, और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 108 से स्टार्ट होगा। इससे पहले 3 क्वेश्चन जो और होते हैं मैंने कराए हुए हैं, उनके आधार पर आप स्वयं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लेना, बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 108 से शुरू होगी। बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है और इक्वल टू इक्वल से बहुत आसान करेंगे। चलिए देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है। देखिए, 20 मैचों का टोटल औसत स्कोर 35 है, तो योग हो गया हमारा, योग बराबर योग करेंगे। देखिए, योग बराबर योग करेंगे, औसत गुणा संख्या हो गई, ये हो गया हमारा योग। तो 20 खिलाड़ी जो है उनका जो रनों का जो योग है वो औसत गुणा संख्या ये हो जाएगा। अब इन 20 में से उसने कहा है पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45। देखिए, पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45, तो योग हो जाएगा औसत गुणा संख्या। बाद के कितने रह गए, 8 मैच, 8 मैचों का औसत स्कोर पूछा है, एवरेज पूछा है, तो योग बराबर योग हो गया। देखिए, इक्वल टू इक्वल कर दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया है कि दो ही ऐसे कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में पूरे मैथ को केवल दो ही तरीके से आसान किया जाएगा। एक तो यह होता है संख्या के बराबर रेशो परसेंट चलेगा, या संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट चलेगा। तो ये इन दो कॉन्सेप्ट से इक्वल टू इक्वल से इसी से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरे मैथ के अंदर करते हैं हर एक क्वेश्चन का। तो देखिए, इसको आसान कर लीजिए, 35 × 70 = 700, 0 ये लगेगी, और इसमें से घटा देंगे 12 × 5 = 60, 6 × 12 = 44, 6 = 54 बराबर रह जाएगा 8। तो देखिए, हम इसको घटाकर देखते हैं कितना बचता है। ये 10 में से 0 घटाएंगे, सॉरी 0 में से 0, 10 में से 4 घटाएंगे हम, 6 बचता है, और 6 में से 5 घटाएंगे 1। सिंपल सी बात है, 160 बचता है बराबर 8। तो 8 × 16 20 आ जाएगा एवरेज। तो शेष अंतिम 8 जो मैच है उनका औसत स्कोर आता है 20। तो देखिए, बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीका आपके सामने आ गया है, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए, इक्वल टू इक्वल से हर कोई बच्चा आसान बिल्कुल ईजी हर क्वेश्चन को बना सकता है। अब यहाँ पर भी हम इक्वल टू इक्वल ही करेंगे इस क्वेश्चन में। किसी खिलाड़ी का 15 पारियों का निश्चित औसत है, 15 पारियों का औसत हमें मालूम नहीं है, तो औसत गुणा संख्या करेंगे, 15 पारियों का योग हो जाएगा। देखिए, औसत गुणा संख्या, ये योग हो गया। अब 16वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, 15 पारियों का योग ये हो गया और 16वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, तो टोटल होगा 16 पारियों का योग ये, और जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। अब देखिए, इधर हम 16 पारियों का योग है, इधर भी 16 पारियों का योग करेंगे, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो संख्या तो हो गई हमारी 16, और औसत कितना बढ़ गया है, पहले का एवरेज ये था, अब 6 रन और बढ़ जाता है औसत। तो ये हो गया योग बराबर योग, देख लीजिए सिंपल तरीका। तो यहाँ से नया औसत, ये है हमारा नया औसत A+6, ये हमारा नया औसत है, ये हमें बताना है, ध्यान रखना है। अब इसको हम हल करेंगे, 15A और यहाँ 16A, तो 16A में से ये 15A घटेगा, 1A रह जाएगा, और 120 है इधर, और 16 × 96, 120 में से अगर हम 96 घटाते हैं तो हमारा बच जाता है 24, तो A बराबर हो गया 24। अब हमसे पूछा है, ये तो उसका पुराना औसत है, पुराना औसत है 24, अगर पूछता है पुराना औसत बताओ तो 24, पूछता है नया औसत बताओ तो नया औसत ये है हमारा, A की वैल्यू 24 है और प्लस 6 जोड़कर नया औसत बन गया 30, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 30, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 109, इसको एक नई ट्रिक के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप जितना सीखे उतना ही अच्छी बात है आपके लिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए किसी खिलाड़ी का 15 पारियों का एक निश्चित औसत है, मालूम नहीं 16 पारी में उसने 120 रन बनाए, ये लिख दिया मैंने 120 रन। जितना भी जिस पारी में रन बनाएंगे उसको लिखेंगे, जिससे उसका औसत रन 6 बढ़ जाता है। अगर औसत रन बढ़ता है तो घटाएंगे, और औसत रन घटता है तो प्लस करेंगे, ये वाला टैलेंट होता है इसमें। अगर औसत रन बढ़ता है ये रहा तो घटाएंगे, औसत रन यहाँ घट जाता है तो प्लस करेंगे, अब फिलहाल बढ़ रहा है तो माइनस। कितना औसत रन बढ़ रहा है? 6। तो नया औसत हमें बताना है अगर, तो नया औसत बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 पारियों में हुआ है ऐसा कुछ, तो इससे एक पारी पहले की गुणा कर दिया गया है, 15 की गुणा करेंगे। तो लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 120 माइनस 15 छिक 90, 120 में से 90 घटाएंगे 30, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो नया औसत था हमारा 30। तो देखिए ये हमारी एक ट्रिक भी है, इस ट्रिक के माध्यम से चाहे आप लाखों हजारों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बट इसी कैटेगरी में इसी कॉन्सेप्ट में होने चाहिए वे, तभी हम इसके माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों को 20 सेकंडों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, देखिए क्वेश्चन नंबर 110 केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन आप आसान बना सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल सीखना है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो मैं समझता हूं कि आप पर मैथ बहुत दिक्कत करेगा आने में, लेकिन इससे आप बहुत सेकंडों में आसानी से सीख सकते हो, और हर क्वेश्चन आपका इसी से ही आसान हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं इसी का ही तरीका बताता हूं, आप देख लीजिए, माइंड का यूज और लैंग्वेज का यूज कीजिए। क्वेश्चन फिनिश, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में से रन रेट केवल 7.2 था, पहले 10 ओवर में कितना रन रेट था? 7.2। इसका मतलब पहले 10 ओवर में उसने रन बनाए कितना? औसत गुणा संख्या, दशमलव से जीरो हटेगा तो 72 रन थे, यानी कि औसत गुणा संख्या करेंगे 7.2 गुणा 10, तो पहले 10 ओवर में उसने 72 रन बनाए, और टोटल टारगेट चाहिए उसको, लक्ष्य चाहिए 272 रन होगा, तो पहले 10 ओवर में 72 रन इसमें से घटा देंगे, बाकी 200 रन बनाने हैं उसको, कितने बनाने? योग 200 रन बनाने टोटल, और ये कितने ओवर में बनाने? अगले 40 ओवर में, शेष जो 40 ओवर रह गए, शेष 40 ओवर में बनाने, तो योग बराबर योग करेंगे, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, ये रहा एफ है, F4 होता है एवरेज, जिसको मैंने औसत कहा है, औसत गुणा संख्या योग बराबर योग, देखिए योग बराबर योग हो गया, इक्वल टू इक्वल 40 पंजे 205, 5 का औसत बनाना पड़ेगा हर ओवर में, तो शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट बताना है कितना है? 5। ऑप्शन बी इज राइट, देख लीजिए खत्म, बिल्कुल इजी और इक्वल टू इक्वल से फिनिश। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए औसत रन 49 है। देखिए 7 मैचों में औसत 49 है, योग हो जाएगा, योग बराबर औसत गुणा संख्या, अगले 9 मैचों में औसत है 27, तो ये योग हो गया, कितने मैच होगा? 16 मैचों का योग हो गया, तो 16 मैच है गुणा उनका औसत ए, तो पूछ रहा है 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन बताओ, तो ए का मान पूछ रहा है औसत रन ए। अब देखिए बिल्कुल ईजी और आसान, 16 ए बराबर होगा, ये होगा 7 9 63, 6 7 28, तो 30 4 34, 343 प्लस 9 7 63, 6 9 2 18, 6 24, 18 और 6 24, ये हो गया। अब इन्हें जोड़ेंगे 3 और 3 6, 4 4 8, 2 3 5, 586, 16 से भाग करेंगे, 16 3 48, 10 बचेंगे हो गए 106, 16 6 96, यानी कि 36 बार पूरा चला है। अब देखिए 36 बार ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन ए में आएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन में आसानी से पता लग जाता है 36.625, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 113, देखिए क्वेश्चन नंबर 113,
बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 27 पारियों में औसत 47 रन है, देखिए 27 पारियों में औसत 47 रन है, और एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 157 अधिक है, ये अलग से लिख लेंगे। यदि इन दोनों पारियों में को हटा दिया जाए, यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर हमें ज्ञात करना है। आप देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, 5, इन दोनों का अंतर है 2, तो देखिए इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे, 27 पंजे होता है 135 और 42 दुनी होता है 84, इन्हें जोड़ेंगे 5, 4, 9, 8, 3, 11, 1, 219। अब 219 इसमें जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, 2 पारियां हैं तो यहाँ पर उच्चतम स्कोर हमें ज्ञात हो जाएगा, 9, 7, 16 हासिल 1, 6, 1, 7, 2, 1, 3, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 8, 16, 2, 8, 16, 188 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। तो सेम यही टाइप यहाँ पर करनी है 114 में, ये भी सेम इसी तरीके का है। एक क्रिकेट द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों की औसत संख्या 30, देखिए 42 पारियों में औसत रन संख्या 30 और उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर का अंतर है 100, और दोनों पारियों को अगर नहीं गिना जाए तो शेष 40 पारियाँ रह जाती है जिनका औसत है 28, तो अधिकतम रनों की संख्या हमें बतानी है। तो चलिए वही तरीका सिंपल सा, तो अब आप क्या करेंगे, वही तरीका, 2 का अंतर है यहाँ, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, तो 42 दुनी 84 हो जाएगा और 28 दुनी 56 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 6, 4, 10, 8, 6, 14, 140, 140 इसमें जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, कितना हो गया 240 बटे में 2 बराबर हो गया 120, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 120, ऑप्शन डी इज राइट।